सलुंबर राजीव गांधी पेरा टीचर्स मदरसा पेरा टीचर्स व शिक्षा कर्मियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। सलुंबर विधायक अमृतलाल मीणा को राजीव गांधी पेरा टीचर्स मदरसा पेरा टीचर्स व शिक्षा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर संघ के संयुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष गौतमलाल मीणा खरका की मौजूदगी में जैसमन सरड़ा सेमारी सलुंबर पंचायत समिति क्षेत्र के कार्मिकों ने सलुंबर विधायक अमृतलाल मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए समाधान करने की मांग की। वहीं समाधान नहीं होने तक परेशानी से जूझ रहे कार्मिक विधायक के निवास स्थान सेमारी लालपुरिया में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक अमृतलाल मीणा ने समाधान के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात बताते हुए कार्मिकों को भरोसा दिलाया। गौतमलाल मीणा ने बताया कि 22 से 35 वर्ष तक सभी कार्मिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्मिकों को नियमितीकरण नहीं किया गया। हाल ही में प्रदेश स्तरीय शिक्षा कर्मी पेरा टीचर का धरना प्रदर्शन जयपुर में शहीद स्मारक पर जारी है। इधर ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष खरतीराम मीणा, मणिलाल मीणा, देवीलाल मीणा, रोड सिंह, नातूलाल मीणा एवं मेघराज मीणा सहित कई उपस्थित रहे। और सरकार के खिलाफ याचिका लगानी पड़े आपको नियमित करने की, उसको भी बिल्कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और अन्य, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आपको नियमित करेंगे, नहीं कि आप खेत की बात है, दुख की बात है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो दिवाली के दिन भी आपने धरना प्रदर्शन जयपुर में किया, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को इस विचार में संज्ञान लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। घोषणा पत्र के अनुसार सारी बातें लानी चाहिए और इनको नियमित करना चाहिए। ये नहीं करते हैं तो इसका हम पूरे आज राजस्थान के सभी विधायकों के घर के आगे धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार को इस विषय में उनको लड़ने की फुर्सत नहीं। आज दिल्ली चले गए वो, तो आपसे मेरा यही निवेदन, आप विश्वास करें तो पूरा जोर शोर से राजस्थान विधानसभा में इसको घेरने का पूरा प्रयास करूंगा। यही मेरा आपसे अपील है, प्रार्थना है। आप विधायक अमृतलाल मीणा की जय। अमृतलाल मीणा की जय। हमको क्या है वो, हमको नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। माता की जय। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। और महापड़ाव के अंदर पूरे प्रदेश के शिक्षा कर्मी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और उनके परिवार सहित नन्हे मुन्ने बच्चे सहित वहाँ धरने पे बैठे, भूखे प्यासे रोड पे सोए, और सरकार ने हमारी एक भी बात को मंजूर नहीं किया, न कि कभी बात करने आए। और हमारे शमशेर खान भालू साहब को तो महीने भर हो गया, जल पान सारा त्याग दिया उन्होंने, और सोला पहन करके गांधी जी का वेश करके वो प्रण लेकर के बैठे हुए हैं कि शिक्षा कर्मी पैराडी से मदरसा पैराडी से जब तक नियमित नहीं होंगे तब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगा। ये इस प्रण के साथ में ही अभी धरना अनिश्चितकालीन धरना जो महापड़ाव समाप्त होने के बाद में धरना लगातार चालू है। वर्तमान में भी वहाँ प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं शहीद स्मारक पर, जब तक वार्ता नहीं होगी सकारात्मक तब तक हमारा धरना। मीणा यूपीए चौकी बडली पंचायत समिति सलुंबर जिला उदयपुर राजस्थान। सरकार ने हमको 1 जुलाई 1999 में लगाए राजीव गांधी सवर्ण जयंती पाठशाला के नाम से। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि भारत के गांव-गांव डाणी डाणी में राजीव गांधी पाठशाला खोलूंगा और कोई भी बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे 1999 में गहलोत सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला खोलकर फिर सबको लगाए। इससे पहले शिक्षा कर्मी थे, इनका रिजल्ट सरकार को अच्छा मिला। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 चरणों में ये विद्यालय खोले, सब बच्चे राजस्थान में भारत में हर जगह पढ़ने लग गए। रिजल्ट अच्छा मिलने के बाद में
इन लोगों को लगाए उस समय आठवीं पास थे, आठवीं की इनकी न्यूनतम योग्यता रखी थी, और बहुत सारे बीएड वाले थे, बीएसटीसी वाले थे जिन्होंने बारहवीं पास कर रखी थी। उन लोगों को बारहवीं पास वालों को 2002 में बीएसटीसी में सरकार ने ले लिए, 2004 में इनको आरपीएससी में बिठा के इनको नियुक्ति दे दी। फिर वंचित रह गए, उनको 2008 में प्रबोधक बना लिए इन्हीं में से। फिर 2013 में वंचित लोगों के लिए शिक्षा सहायक की एक भर्ती खोली थी, वहाँ वो मामला कोर्ट में चला गया, वहाँ से ये लोग वंचित और रह गए। फिर 2015 में विद्यालय सहायक भर्ती खोली थी, वो भी कोर्ट में भर्ती चली गई एन के एन प्रकरण से। फिर 2017 में केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से डीएलएड का कार्यक्रम रखा गया जो अनट्रेन लोग थे उनके लिए। फिर 2017 से इन लोगों ने 19 तक डीएलएड पूर्ण कर ली। फिर सरकार ने वादा किया 2018 में इन लोगों को नियमितीकरण करेंगे, वो वादा आज तक सरकार निभाई नहीं पाई है, और रीट की परीक्षा भी दी है। ये उम्रशुदा लोग हैं, अब नवयुवकों को ये फ्रेश कंपटीशन फाइट दे कर सकते हैं, लेकिन इनका योग्यता अनुभव के आधार पर सरकार जल्दी ही नियमितीकरण करे, यह मेरा सरकार से अपील है। जय हिंद जय भारत। मीना सेमारी ब्लॉक से, ब्लॉक उपाध्यक्ष शिक्षा कर्मी हूँ मैं। 2012 हूँ और एसटीसी उत्तीर्ण हूँ, प्रबोधक भर्ती से मैं वंचित रह गया हूँ। सरकार ने 2008 में प्रबोधक भर्ती की 8000 प्रबोधकों की भर्ती कर दी, इसके बाद में रास्ता बंद कर दिया। तो जो हम लोग कार्यरत थे वो उन कार्यरत लोगों के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली थी कि आपको नियमित करने के लिए ट्रेन किया जाएगा, फिर नियमित कर देंगे, हर साल प्रबोधक भर्ती निकाली जाएगी। एक लाइन भी लिखी थी कि हर साल प्रबोधक भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन उस रास्ते को भी सरकार ने बंद कर दिया। तो ये रास्ता भी खोलेंगी, सरकार ही खोलेंगी। हम ट्रेन टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, न कि हम दूसरे अस्थायी टीचर हैं, लेकिन हम फुल प्लेस कार्य करते हैं। हम बीओलो का कार्य करते हैं, जनगणना का कार्य करते हैं, सभी कार्य जो थर्ड ग्रेड टीचर कर रहा है, प्रबोधक कर रहा है, ऐसा काम हम भी कर रहे हैं। तो हमारे सभी जिलों में धरना प्रदर्शन चालू है, और सरकार हमारे को नियमित करने के लिए मान ले, और हमारी एक ही मांग है हमको नियमित किया जाए। सरकार हमें निकाल नहीं सकती है, क्योंकि हम भी सभी लोग एसटीसी डीएलए ट्रेन हैं, और कुछ लोग जो अनट्रेन हैं उसको भी नियमित किया जाए। ये मैं सरकार से मैं अपील करता हूँ कि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी मान ले, और अशोक गहलोत जी मान ले, और हमको और ज़्यादा परेशान नहीं करे। हमारे में सहन शक्ति अब नहीं रही है साथियों की, और हमको नियमित होना है, एक ही हमारी आवाज़ है, हमें नियमित किया जाए। जय हिंद जय भारत। मैं नवलराम मीणा अमृतदल जी विधायक साहब के यहाँ धरने प्रदर्शन के तहत बोल रहा हूँ। शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, सर्वप्रथम शिक्षा कर्मी 1984 में सिलोरा पंचायत समिति अजमेर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी और सरकार ने प्रारंभ की थी। उस समय से सरकार को अवगत है और आज भी सरकार जानती है। मैं गहलोत साहब से ये निवेदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे को केवल थोती आश्वासन दिया, ना कि वो कहते हैं हम गरीब के हितैषी हैं। उन्होंने कभी गरीबी शायद नारा लगाया है, गरीबी देखी नहीं है। और जितने भी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी जो भी हैं, जो गरीब स्थिति में, गरीब घर से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जहां लोगों को सुबह खाने के लिए मिलता है, शाम को खाने के लिए नहीं मिलता है, दिन भर मजदूरी करता है और शाम को वो ला करके खाता है, उस डाणी में हमने शिक्षा का अलग जगाया है और शिक्षा को यहाँ तक पहुँचाया है। तो गहलोत साहब अगर हमारी बात को सुनते हैं, शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को सुनते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ढूंढरा पीटते हैं कि गुड गवर्नमेंट है। अगर गुड गवर्नमेंट है तो आज उनके सामने कितने धरने चल रहे हैं हमारे पूरे राजस्थान के अंदर। हमारे शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी सभी
हर विधायक के घर पर अभी धरना दे रहे हैं। अगर हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं, अगर हमारी वेदना को समझते हैं, तो जल्दी इस बात के लिए निर्णय करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गहलोत साहब और ये डोटासरा जी ये कहते हैं कि 5 साल वसुंधरा ने निकाल दिए मीटिंग है वो कमेटी बना करके, तो 5 साल निकल गए तो उन्होंने नहीं किया, तो आपकी गवर्नमेंट आई, आपने भी कमेटी बनाई, आपने 3 साल में क्या किया और हमारे साथ में क्या कर रहे हो, उसके लिए आप शायद ये कमेटी कमेटी रहेगी। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि आप गरीबों के हितेशी हो। और आप कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, सिद्धांतवादी, मुझे नहीं लगता है कि आप गांधीवादी हैं ना आप इनके लायक हैं, हम नहीं मानते। और हमारा धरना है, जब तक हमारे भाइयों के बारे में आप ये निर्णय नहीं लोगे, निमितीकरण का नहीं करोगे, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। और यहाँ से अगर नहीं हुआ तो हम पुनः शहीद स्मारक पर पुनः धरना चालू करेंगे, महापड़ाव चालू करेंगे। भले आप ऐसी बात नहीं मानते हैं तो हम हमारी जान देने के लिए तैयार है, और उग्र आंदोलन होगा। और हमारे भाई इतने परेशान हैं कि दिन की उनका गुजारा भी नहीं चलता है। इसके साथ ही मैं आपसे और पुनः निवेदन करता हूं कि निमित्तीकरण किया जाए, और इसलिए आपके पे दबाव बना रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में हमको किया कहा था। हमें जब लगे थे उस समय 1200 रुपये में कर रहे थे हम, आज हम थर्ड ग्रेड के हिसाब से पूरा काम पर हमें वेतन 9000 रुपये दे रहे हैं। इस कारण से हमारे सारी कमजोरियां आई है, और सरकार हमें कोई कई बार हमें कहा नियमित करें, कोई नियमित नहीं किया हमें आज। हाँ बोलो। मैं पुष्पा मीना रानिया, 1999 से हम कार्यरत हैं, अभी तक हमको निमित्तीकरण चाहिए। कितनी बार हमको कहा है कि हम निमित्तीकरण कर देंगे, आज तक हमें निमित्तीकरण नहीं हुआ। और हम थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेतन 9000 है। 9000 से हमारा घर गुजारा नहीं चल पाता है। छोटे छोटे बच्चे शादी लायक हो गए हैं, शादी करवाए तो किससे, 9000 से हमारा घर का खर्चा नहीं चलता है, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे और शादी कैसे करवाएंगे। आज हम इस स्थिति में कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना घर का ना कुछ काम कर पा रहे। आम मजदूर को 300 रुपये मिलते हैं, उन मजदूरों के समान भी हमारा वेतन नहीं है। अभी आपको सरकार से कौन सी मांग मंजूर करवानी है? हमको निमित्तीकरण चाहिए, केवल निमित्तीकरण। हाँ, निमित्तीकरण चाहिए। ये धरना आपके पूरे राजस्थान में चल रहा है क्या? पूरे राजस्थान में यही एक ही बात है, हमको निमित्तीकरण। नाथूलाल मीणा, शिक्षा कर्मी, ब्लॉक सलोम्बर, जिला उदयपुर से हूँ। मैं आज दिनांक हमारे प्रदेश विधानसभा क्षेत्र सलोम्बर के सभी शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचरों ने आज से विधायक महोदय के आवास पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करे तब तक ये धरना चालू रहेगा, और सरकार हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण का आदेश दे, अन्यथा हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हमको किसी भी तरह से करके हमको नियमितीकरण का जल्द से जल्द किया जाए। कब तक आपका धरना चालू रहेगा? जब तक हमारे पास में नियमितीकरण का आदेश नहीं आएगा तब तक हम यही महापड़ाव, अनिश्चितकालीन धरना, रोटियां यहीं खाएंगे, यहीं हम बैठे रहेंगे विधायक के आवास के सामने। क्या ये धरना आपके विधायक को आपके ब्लॉक में ही धरना है, पूरे राजस्थान में? और राजस्थान में 33 जिलों में चल रहा है, ये धूम धड़ाके चल रहा है। और बाद में अगर ये कुछ आपको आश्वासन देंगे? आश्वासन नहीं चाहिए हमको, ओनली बहुत नियमितीकरण का आदेश चाहिए। अच्छा। जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये जाजम बिल्कुल यहाँ पे दिमक लग जाएगी, लेकिन हम इस जाड़ों को छोड़ने वाले नहीं है। अब बोलो। मैं खरतीराम मीणा, ब्लॉक सलोम्बर, जिला उदयपुर। आज 10 तारीख को हम विधायक अमृता जी मीणा के घर पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया। अमृता जी से बात की हमने कि हमारी
सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम आज आपके घर पर 5 दिन तक हमारी नियमितीकरण नहीं होगा तो हम यहीं बैठेंगे। हम जब तक परमानेंट का आदेश नहीं होगा, हमारा नियमितीकरण नहीं होगा, तो हम यहाँ महापड़ाव डाला जाएगा। और राज्य सरकार से मैं निवेदन करूं कि इस पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी मदरसे पैरा टीचर को नियमित किया जाए और हमारा मानदेय मात्र 9,950 रुपये मिल रहा है, हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, गहलोत साहब से निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमें अस्थायीकरण और नियमितीकरण किया जाए और समायोजन किया जाए। जय हिंद, जय भारत।